नीता जी ने आज कहा है कि मोदी जी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए और उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। नेता जी हमारे देश के एक बड़े नेता हैं और हमारे संरक्षक रहे हैं। एक राजनीतिक मर्यादा है, आज संसद का आखिरी दिन था, सभी को उन्होंने शुभकामनाएं दी और उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में ये भी कहा कि उन्होंने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की। 4 दिन पहले भी नेताजी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को अब शब्द नहीं बोलने चाहिए। हम सबको वो यही सिखाते हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संसदीय प्रणाली के तहत एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, लेकिन विचारधारा की लड़ाई सड़कों पर होती है और चुनाव में होती है, और वो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ और RLD के साथ अन्य पार्टियों के साथ मजबूती से जमीन पर लड़ रही और भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। तो नेताजी ये क्यों कह रहे हैं कि मेरी मदद बहुत की है मोदी जी ने? नेताजी एक सांसद हैं और एक बड़े नेता हैं, उनके पास बहुत सारे लोग काम लेकर जाते हैं और प्रधानमंत्री से हमें यही आशा है कि अगर नेताजी ने कुछ कहा होगा तो वो काम उन्होंने ही नहीं अन्य लोगों ने भी किया होगा। इसके पहले भी जब नेताजी रक्षा मंत्री थे तो बोफर्स पे प्रश्न चिन्ह उठे थे, लेकिन नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते हुए उस फाइल पर कभी सवाल नहीं उठाया क्योंकि देश के लिए जरूरी था। तो देश उनके लिए हमेशा ऊपर है, लोगों की कठिनाइयां ऊपर है, और प्रधानमंत्री को केवल नेताजी की नहीं हर सांसद की मदद करनी चाहिए, और मुझे लगता है उन्होंने की भी होगी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो देश के लिए एक अच्छे प्रधानमंत्री हैं।